यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग चल रही है और मेरे को प्लान मिला है अभी $45 पर मंथ। पता है उसके पास क्या था? गन थी उसके पास, गन। सिटी सेंटर से एकदम से एग्जिट लिया और ये क्या देखने को मिल गया भाई? चलो अब थोड़े से काम वाम करके मिलते हैं आप लोगों से। ओके मेरे बैग ही भूल गया कैसे थे। अरे यार ये मेरा बैग मिल गया, एक तो एक मिल गया, एक बाकी है। ये और वो लाल वाला मेरे को वही लग रहा है, सबसे लास्ट में आया मेरा बैग सबसे लास्ट। पूरे 2.5 घंटे बाद इमिग्रेशन प्रोसेस ख़त्म हुआ है, तो ध्यान रखना जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे 2.5 घंटा तो लगेगा, मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे तो लगेंगे यहाँ पे इमिग्रेशन में। तो अब सबसे पहले बाहर निकले किससे क्या करूँगा मैं, गैस करो। मोटा जी से बात, इतना मिस कर रहा हूँ ना, इतना मिस कर रहा हूँ जिसकी कोई हद नहीं। पूरे रास्ते मैंने मिस किया मोटे को यार, और साथ में आते तो कितना मज़ा आता, पर आ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन रेट ज़्यादा हो जाती है अगर स्पाउस और जो भी दोनों स्पाउस का एक साथ वीज़ा लगता है। बाकी ऐसा है नहीं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, पर थोड़े से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और भी यूक्रेन और उसके वॉर के बाद तो थोड़े से रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ ही गए थे, तो इस वजह से रिस्क नहीं लिया। तो बस अब यश आ जाए फिर हम लोग बाहर निकलते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं ना। ओके ओके ओके, टाटा, ध्यान रखना। बाहर अभी मैंने जस्ट देखा कि धूप तो चिलचिलाती पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है भारत में आ गए वापस। ये हम निकल गए बाहर। अरे मेरी मर्सिडीज़ मेरा वेट कर रही है। क्या यार, मैं तो बुलाई नहीं थी। तो जी मोटा जी से तो हो गई बात, और अब कैब बुक करते हैं और निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो गाइस मैं अपने एड्रेस पे तो पहुंच गया हूँ, जाके देखता हूँ कि कोई जानकार है भी है। ऐसे ही आ गए अपन। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे होने वाली है वो है छुट्टे रखने की आदत। ये छुट्टे बहुत ज़्यादा वैल्यू के हैं ना यहाँ पे। या तो गाइस मैंने अकोमोडेशन तो ले लिया है, और मैं जैसे कि बता रहा था कि यहाँ पे धूप पड़ तो रही है लेकिन उसका असर ऐसा लग नहीं रहा कि धूप जैसा है, मतलब ऐसे मज़ा आ रहा है धूप लेने में, समझ रहे हो। और हवा एकदम ठंडी है, मेरे को जैकेट पहननी पड़ रही है अभी भी धूप में भी। अभी उन लोगों को बुलाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मेरी सिम कलेक्शन करने, उनको भी सिम लेनी है मेरे को भी लेनी है, तो हम लोग एक साथ जा रहे हैं। अब देखते हैं हमें कहाँ मिलती है सिम। अभी आ तो गए, हम लोग रोड क्रॉस करना सीख रहे हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि मेरे को ये पता ही नहीं है कि कितने डॉलर है, वह एक है या दो है। अपनी दिल्ली मेट्रो ज़्यादा अच्छी है, सीट मिल जाती है। हाँ मिलता है मेट्रो में। हाँ मेट्रो में मिलता है सीट। हाँ इधर हैदराबाद में मुश्किल है थोड़ा। सिटी सेंटर से एकदम से एग्जिट लिया और ये क्या देखने को मिल गया भाई।
तो रोड क्रॉस करना सीखना पड़ेगा। हाँ हाँ, स्वाद आ रहा है देखने में। ओ हो, फर्स्ट डे इन कनाडा। ये यहाँ की बसें हैं, ये यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट है, और ये यहाँ की रोड है। देखो, रोडों से ज़्यादा चौड़ी चलने की जगह, समझ रहे हो? तो इंडिया में इंसान रोड पे चलेगा ही फिर। थैंक यू सो मच। अभी एक रैप लिया है, मस्त है। कितने का है? $60 का। टेस्ला, टेस्ला तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, और जिसमें मेरे को भी एक रोल दिया गया है साइड से जाने का। हम चारों को ही रोल दिया गया है, तो साइड से जाने का। हमें यहाँ से जहाँ वहाँ तक जाना है बिना कुछ बोले। और ये जुड़ी हुई बस, किसी को देखनी हो तो गाइस, मेरा सिम का काम तो हो गया है। मेरे को प्लान मिला है अभी $45 पर मंथ, 20 GB डेटा पर मंथ, और बस यही था। वो $60 में मिल रहा था, पर $15 का डिस्काउंट मिल गया हमें स्टूडेंट बेस पे। और अब हम जा रहे हैं सिम नंबर लेने, उससे पहले कुछ खाएंगे। नो प्रॉब्लम, आई विल ब्लर इट, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग यू ब्रो। इफ देयर इज समथिंग इशू, आई विल ब्लर इट आउट। और यहाँ पे ऊपर देखो, सब तरफ तार ही तार। और ये वो नहीं है, वो छोटे मोटे अपने जो जैसे अपने यहाँ पे कैसे होते बिजली के तार, और यहाँ के बिजली के तारों में अंतर देखो, कितने सिस्टमेटिक वे में लगे हुए हैं। और ये सारी चीज़ें केवल बस रूट्स के लिए है, जो भी सारी इलेक्ट्रिक बसें हैं उनके लिए। और अपने वहाँ पे किस लिए होती है? ब्रॉडबैंड के तारों के लिए। बस इनका काम आज नहीं हो पाया क्योंकि हम लेट पहुँचे हैं, कल सुबह 7 बजे आने को बोला है उनने। उसके बाद हमें सिम नंबर मिलेगा। सिम नंबर क्या होता है? जैसे अपने वहाँ पर आधार कार्ड होता है, वैसे यहाँ पर सिम नंबर होता है। बस ये मान लो थोड़ी सी इसकी सिक्योरिटी टाइट होती है, और यहाँ पे सब कुछ सिम नंबर से लिंक्ड है, एवरीथिंग। सब कुछ जो भी मतलब जो भी आप करोगे वो गवर्नमेंट की नज़र में रहेगा सिम के नंबर के थ्रू। तो गाइस, शाम के बज गए हैं 6:30, और अपन को तो लग जाती है भूख। वो लोग सो रहे हैं और मैंने बनाई है मैगी, देखो। आहा, ये सब लोग थक गए थे तो ये लोग सो रहे हैं, तो हम लोग ग्रोसरी स्टोर जा नहीं पाए। अभी एलएसआर आ रहा है मेरा एक और दोस्त, तो वो अपने दूसरे दोस्त के साथ कार में आएगा, तो हम फिर जा सकते हैं शायद ग्रोसरी स्टोर, और फिर कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन अब तो मेरा दिन ओवर हो चुका है, तो मैं ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त करूँगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगा जाने से पहले, मुझे बंदा था वीडियो मैंने दिखाया कि डोंट रिकॉर्ड माई वीडियो जो बोल रहा था, पता है उसके पास क्या था? गन थी उसके पास, गन। वो मेरे को दूर जाके पता चला, जब मैंने उससे बोला ना हाँ आई विल ब्लर इट आउट, फिर मैंने दूर जाके देखा था उसके पास गन थी। तो भाई साहब बच के रहना कैनेडा में, तो दूर ही रहो सबसे। तो इसी बात पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, मैगी खा लो जाओ। उड़ा ही नहीं यार, अगेन वन मोर ट्राई।